हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में सबका स्वागत है। कल तक की वीडियो में अपन ने फसल चक्र के बारे में पढ़ लिया था। फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र के सिद्धांत क्या है और उसके बाद मिश्रित फसल के बारे में अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मिश्रित फसल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होता है, प्रकार पढ़ लिए थे अपन ने। मिश्रित फसल क्या किसे कहते हैं, यानी कि एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों की एक साथ बुआई करना ही क्या कहलाता है, मिश्रित फसल कहलाता है। इसके बाद इसके प्रकार पढ़ लिए थे दो प्रकार की, एक तो मिश्रित फसलें और दूसरी अंतःशस्य खेती। मिश्रित जो फसलें होती हैं इनमें फसल की बुआई और कटाई का समय क्या रहता है, एक जैसा रहता है और इनके फसलों के बीजों को, दो फसलों के बीजों को आपस में मिलाकर उनकी क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। फिर आप पढ़ा था अंतःशस्य खेती। अंतःशस्य खेती में क्या होता है कि क्या नाम से इसमें दो फसलों को पंक्तियों में बोया जाता है और क्या नाम से, जैसे मक्का की दो पंक्ति बो दी, उड़द की दो पंक्ति, इनकी बुआई का समय एक जैसा रहता है लेकिन कटाई का समय एक जैसा नहीं रहता है। आज पढ़ेंगे अपन अंतःशस्य खेती के मुख्य बातें, यानी सफल अंतःशस्य खेती की मुख्य बातें क्या है और क्या नहीं है। पहली बात पढ़ेंगे अपन अंतःशस्य खेती की, मुख्य बात है, हेडिंग डाल लो पहले, आज पढ़ेंगे अपन, स्टार्ट करेंगे सफल अंतःशस्य खेती की मुख्य बातें। पहली बात बेटा, सफल अंतःशस्य खेती की मुख्य बातें, सफल अंतःशस्य खेती की मुख्य बातें, यानी सफल अंतःशस्य खेती के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। यानी पहली बात तो यही है, मिश्रित फसल के अंदर जो अपन फसलों का चुनाव कर रहे हैं उनका आपसी सामंजस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपसी तालमेल होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी एक दूसरे को कोई क्या नाम से इफेक्ट उसका नहीं पड़ना चाहिए। पहला अपन देखो, मिश्रित फसलों में आपसी सामंजस्य होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इनमें जो तालमेल होता है, जो सामंजस्य होता है वो क्या होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरी बात, जो मिश्रित फसल अपन चुन रहे हैं उनमें कम से कम पकने का 30 दिन का अंतर होना चाहिए। यानी जैसे अपन ने दो फसल बोई तो एक फसल 30 दिन पहले पक जानी चाहिए और एक फसल 30 दिन बाद में पक जानी चाहिए, ताकि उनको कटाई करने में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा पॉइंट देखो, मिश्रित फसलों के पकने के समय में मिश्रित फसलों के
तकनीकी समय में कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए, 30 दिन का अंतर होना चाहिए। यानी मिश्रित फसल में अपन जो दो फसलें ले रहे हैं उनमें पकने के समय में कितने दिन का अंतर होना चाहिए? कम से कम 30 दिन का अंतर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा बेटा कि मिश्रित फसलों में CO2 और जल के लिए, यानी जो मिश्रित फसल बो रहे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, यानी आपसी दौड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक फसल को बोलेंगे मैं पहले CO2 ले लूँ, दूसरे बोलेंगे मैं पहले CO2 ले लूँ, यानी उनका आपसी सामंजस्य होना चाहिए, ऐसी कोई उसमें भागदौड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखो, मिश्रित फसलों में मिश्रित फसलों में CO2 और जल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट होगा, यानी कहने का मतलब जो फसलें बो रही हैं बोई जा रही हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट लिख लो, मिश्रित फसलों में प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, प्रकाश के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इन चार बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है सफल अंतर्शस्य खेती के लिए। पहली बात तो लगा दी कि मिश्रित फसलें जो चुनी है उनका क्या होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या नाम से दो फसलों का बीज अपन ने लिया है उनमें कम से कम पकने के 30 दिन का अंतर होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उनमें CO2 के लिए और जल के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए और प्रकाश के लिए भी कोई प्रतिस्पर्धा दोनों फसलों के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब पढ़ेंगे अंतर्शस्य खेती के प्रकार। हेडिंग डाल लो अंतर्शस्य खेती के प्रकार। अंतर्शस्य खेती के प्रकार, पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन समानांतर सह फसलें। क्या? समानांतर सह फसलें। अब समानांतर सह फसलों में क्या होते हैं कि इसमें दो फसलों को एक साथ क्या करते हैं, इस तरह साथ साथ उगाते हैं कि दोनों में क्या होती है, शून्य प्रतिस्पर्धा होती है और किसी भी प्रकार का कोई कुछ नहीं होता। जैसे प्रकाश के लिए ना तो प्रतिस्पर्धा रहेगी, ना पानी के लिए कोई प्रतिस्पर्धा रहेगी, ना कोई CO2 के लिए कोई प्रतिस्पर्धा रहेगी। और जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका पूर्ण तरीके से सही तरीके से क्या करेंगे, ये उपयोग करेगी, वो कर्म क्या कहलाएगा, क्या नाम से, समानांतर सह फसली खेती। पहला डाल लो समानांतर सह फसली
खेती, पहली खेती पढ़ेंगे समानांतर सह फसली खेती, यानी इसमें क्या करते हैं, फिर से बता देता हूं कि इसमें दो फसलों को इस प्रकार उगाते हैं कि उनमें शून्य प्रतिस्पर्धा होती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, और क्या नाम से जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका पूर्ण रंग से क्या करते हैं, वो सदुपयोग करते हैं, वो खेती क्या कहलाती है, समानांतर सह फसली खेती। यानी इसमें ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं, ऐसी फसलों को उगाते हैं जिनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती, शून्य प्रतिस्पर्धा होती है, और जो भी संसाधन होते हैं उनका क्या करते हैं, ये पूर्ण सदुपयोग करते हैं। लेकिन इसके बारे में दो फसलों को इस तरह साथ साथ उगाना है कि दो फसलों को इस तरह साथ साथ उगाना है कि उनमें क्या होती है, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। उगाना है कि दोनों फसलों में शून्य प्रतिस्पर्धा होती है, क्या होती है, शून्य प्रतिस्पर्धा हो और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर ढंग से प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके उसे समानांतर सह फसली खेती कहते हैं। आगे पहला प्रकार सवाल विदाउट डेफिनेशन में से हमेशा वार्षिक परीक्षा के अंदर एक दो नंबर की जरूर पूछी जाती है, एक एक नंबर की दो दो नंबर की डेफिनेशन आती है, इसलिए इनको अच्छी तरीके से समझना। फिर से समझा देता हूँ, समानांतर सह फसली में इसमें क्या करते हैं, दो फसलें लेते हैं और दो फसलों को ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिनके अंदर शून्य प्रतिस्पर्धा हो, यानी किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, और जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या हो, पूर्ण रूप से सदुपयोग हो, वो उसे क्या कहते हैं, समानांतर सह फसली खेती कहते हैं। अब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे सहचर फसलें, सहचर फसलें, सहचर फसलें। अब इसमें ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है, इस अंतर्सस्य खेती में ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिनकी उपज किसके समान होती हो, एकल फसल के समान होती हो, क्या कहलाते हैं, सहचर फसलें कहलाती हैं। यानी इसमें ऐसी दो फसलों का चुनाव किया जाता है जिनकी उपज किसके समान होती हो, एकल फसल के समान होती हो, उसे क्या कहते हैं, सहचर फसलें कहते हैं। यानी दोनों की उपज, जैसे अगर दो फसल होंगे उनकी उपज क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मक्का प्लस उड़द है, मक्का की उपज भी समान होगी और उड़द की उपज भी समान होगी। लिवर्स में इस अंतःसस्य खेती में ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है, इस अंतःसस्य खेती में ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है
चुनाव किया जाता है जिनकी उपज एकल फसल के समान जिनकी उपज एकल फसल के समान होती है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे मक्का प्लस उड़द, यानी इस अंतर संस्कृति में ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिसकी उपज किसके समान होती है, एकल फसल के समान होती है। एकल फसल का मतलब यही होता है कि एक खेत में जो अपन एक फसल को उगाते हैं उसकी उपज, और दो फसल उगाए उनकी उपज, यानी दूसरी फसल जो उगाएंगे उसकी उपज किसके समान होनी चाहिए, जो पहली फसल को है ना उसके समान होनी चाहिए। यानी इस अंतर संस्कृति में ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिनकी उपज एकल फसल के समान होती है। अब तीसरा पढ़ेंगे क्या नाम से, रक्षक फसलें। क्या पढ़ेंगे, रक्षक फसलें। अब रक्षक फसलें क्या होती हैं, रक्षक फसलों क्या करते जाता है, जो मुख्य फसल होती है ना उसको खेत के बीच में बो दिया जाता है और उसके चारों ओर दो चार पंक्तियां अन्य बोर्ड पंक्तियां दूसरी फसल के बो दी जाती है। यानी इसमें क्या किया जाता है, रक्षक फसलों में जो मुख्य फसल होती है ना, जैसे हमारा एक खेत है, पहले पॉइंट का हम तीसरा रक्षक फसल, नाम से पता चल रहा है रक्षक का मतलब रक्षा करने वाली। जैसे ये हमारा खेत है, इस प्रकार का खेत है हमारी, मान लीजिए इसमें मुख्य फसल मान लो मक्का की बुआई करनी है, इसकी बुआई करनी है मक्का की बुआई करनी है, तो मक्का की बुआई बीच बीच में कर देते हैं, यानी मुख्य जो फसल होती है उसकी बुआई क्या कर देते हैं, बीच बीच में कर देते हैं, ये लो जी बीच बीच में कर दी। और दूसरी फसल की 10 से 15 पंक्तियां उनको क्या बोलते हैं, गौण पंक्तियां, यानी इसके पास पास बाहर, जैसे यहाँ मक्का होती तो यहाँ पे क्या बोल दिया, गंवार हो गया। यानी कहने का मतलब मक्का की रक्षक कौन हो गई, गंवार की फसल हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, रक्षक फसल कहलाएगी। यानी इसमें क्या करते हैं, मुख्य फसल को तो खेत के बीच में बो दिया जाता है और उसके चारों ओर 10 से 15 पंक्तियों के फसल की दूसरी गौण पंक्तियां बो दी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, रक्षक फसल कहते हैं। देखो इसमें इस वर्ग में मुख्य फसल को खेत के बीच बो दिया जाता है, या खेत के मध्य बो देते हैं और उसके चारों ओर, यानी मुख्य फसल को कहाँ बो दिया जाता है, खेत के बीच में बो दिया जाता है और मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए और मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए और मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए 10 से 15 पंक्तियां गौण फसल की बो देते हैं। गन्ने की फसल के चारों ओर सनई, दूसरा उदाहरण भिंडी।
भिंडी की फसल के चारों ओर गेंदा, यानी मुख्य फसल क्या हो जाती है भिंडी, इसको तो बीच में बो दिया जाता है, गेंदे को उसके चारों ओर बो दिया जाता है, ये क्या हो जाती है सुरक्षा करने वाली फसल, वो क्या कहलाती है रक्षक है। आप पढ़ेंगे वृद्धि कारक फसलें, वृद्धि कारक फसलें, चौथी पढ़ेंगे वृद्धि कारक फसलें। अब वृद्धि कारक में क्या होता है, यानी जो मुख्य फसल होती है उसकी उपज को बढ़ाने के लिए या उसकी उपज की वृद्धि में करने के लिए अन्य गौण फसल की मिला दी जाती है, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं वृद्धि कारक फसल कहते हैं। यानी जो मुख्य फसल होती है इसकी उपज को बढ़ाने के लिए कोई दूसरी गौण फसल उसके अंदर मिला देते हैं, उसे क्या कहते हैं वृद्धि कारक फसलें कहते हैं। यानी मुख्य फसल की उपज तो प्राप्त होगी, लेकिन अपन ने जो गौण फसल मिलाई है उसकी उपज भी हमें क्या होगी प्राप्त होगी, जिससे इसे क्या कहते हैं वृद्धि कारक फसलें कहते हैं। लिख लो बेटा इसमें, इस सस्य मिश्रण में, इस सस्य मिश्रण में मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए गौण फसल मिला दी जाती है, मिला दी जाती है, उसे वृद्धि कारक फसलें कहते हैं, उसे वृद्धि कारक फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं वृद्धि कारक फसलें कहते हैं। अब वृद्धि कारक जो फसलें होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, जैसे आपको उदाहरण दिखाओ बरसीम के साथ सरसों, जैसे बरसीम के साथ सरसों। अब जो वृद्धि कारक फसलें होती हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, एक तो धनात्मक क्रम अंत्यसस्य और दूसरा होता है प्रतिस्थापन क्रमशः। पहला पढ़ेंगे इसमें लिख लो वृद्धि कारक फसलों के प्रकार, वृद्धि कारक फसलों के प्रकार। पहला पढ़ेंगे धनात्मक वृद्धि कारक फसल, धनात्मक क्रम अंत्यसस्य, धनात्मक क्रम अंत्यसस्य, धनात्मक क्रम अंत्यसस्य। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य फसल के प्रतिकाय क्षेत्र में, यानी मुख्य जो फसल होता है उसके प्रतिकाय क्षेत्र में जो पौधों की जो संख्या होती है वो किसके समान रहती है, एकल फसल के समान रहती है, तथा अंत्यसस्य फसल में पौधों की संख्या एकल फसल से कम रहती है, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं धनात्मक अंत्यसस्य खेती कहते हैं। यानी इसमें जो मुख्य फसल होती है उसमें प्रति इकाई जो पौधों की जो संख्या रहती है वो किसकी तुलना में प्रति इकाई एकल फसल क्या होती है समान होती है, तथा अंत्यसस्य फसल में पौधों की संख्या एकल फसल से क्या रहती है कम रहती है, उसे क्या कहते हैं धनात्मक क्रम अंत्यसस्य। लिख लो
इसमें मुख्य फसल प्रति इकाई क्षेत्र में यानी इसमें जो मुख्य फसल होती है वो प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या एकल उपज के समान रहती है, एकल उपज के समान रहती है, एकल उपज के समान रहती है तथा अंतर फसल में पौधों की संख्या एकल फसल से कम रहती है तथा अंतर फसल में पौधों की संख्या एकल फसल से कम रहती है उसे धनात्मक क्रम अंतःशस्य कहते हैं, उसे धनात्मक क्रम अंतःशस्य कहते हैं। आया प्रश्न दोबारा समझ लो, धनात्मक क्रम अंतःशस्य, इसमें जो मुख्य फसल होती है प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या एकल उपज के समान रहती है, यानी मुख्य फसल प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या किसके समान रहती है, एकल उपज के समान, तथा अंतःशस्य फसल में पौधों की संख्या एकल फसल से क्या रहती है, कम रहती है, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक क्रम अंतःशस्य, यानी घटते क्रम में उसे क्या कहेंगे, धनात्मक क्रम अंतःशस्य कहते हैं। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन प्रतिस्थापन क्रम अंतःशस्य, दूसरा लिख लो, जैसे आपको उदाहरण लिखा दो, इसमें धनात्मक क्रम अंतःशस्य का उदाहरण लिख लो, जैसे गन्ने की 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बुआई करने पर पंक्तियों के आगे एक पंक्ति लगा, जैसे गन्ने की 90 सेंटीमीटर, यानी गन्ने की जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो क्या होती है 90 सेंटीमीटर, गन्ने की 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आलू की एक पंक्ति लगाना, इस अंतःशस्य में दोनों फसल मुख्य होती है, इस अंतःशस्य में दोनों फसल मुख्य होती है, यानी इसमें जो दोनों फसलें होंगी वो क्या होंगी, मुख्य होंगी, होती है कोई और फसल नहीं होती है,
कोई गौण फसल नहीं होती है। एक फसल के पौधों की संख्या दूसरे अंतःशस्त्र अतः एक फसल के पौधों की संख्या दूसरी फसल के जो एक फसल है उसके पौधों की जो संख्या होती है वो दूसरी अंतःशस्त्र फसल की प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करेगी। दूसरी फसल की प्रतिस्थापन दर पर निर्भर करेगी। जैसे आपको बताऊं उदाहरण लिख लो इसका, जैसे गेहूं और सरसों की अंतःशस्त्र खेती में गेहूं की 10 पंक्तियों के बाद एक पंक्ति सरसों की, ये होगी प्रतिस्थापन क्रम अंतःशस्त्र। यानी इस अंतःशस्त्र में दोनों फसल क्या होती है, मुख्य होती है और इनमें कोई गौण फसल नहीं होती। एक फसल की जो पौधों की संख्या होती है दूसरे फसल की प्रतिस्थापन दर पर क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे आपको बताया कि सरसों की अंतःशस्त्र खेती में गेहूं की 10 पंक्तियों के बाद एक सरसों की पंक्ति की बुआई करना, ये हो गया वृद्धि कारक फसलों के प्रकार। अब पांचवा पढ़ेंगे बहुमंडलीय व बहुस्तरीय फसलें। बहुमंडलीय पांचवा पढ़ेंगे हम इसमें क्या करते हैं, पहली फसल की कटाई से पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। ये फसलें क्या कहलाती हैं, अविराम अंतःशस्त्र फसलें कहलाती हैं। लिख लो, इस पद्धति में वर्ष में कम से कम चार फसलें ली जाती हैं। कितने फसलें ली जाती है बेटा, चार फसलें ली जाती हैं और फसल की बुआई क्षेत्र में चार फसलें ली जाती हैं। इसमें पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद इसमें पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद या पकने से पूर्व यानी या तो पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद फसल पकते समय
फसल कटने समय पहली फसल कटाई के तुरंत बाद या फसल पकते समय दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। यानी इसमें क्या करते हैं कि पहली फसल कटने से पूर्व या पहली फसल की कटने के तुरंत बाद क्या करते हैं, दूसरी फसल की क्या कर देते हैं, इसमें बुआई कर देते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, जैसे बिहार में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में चले जाओ, वहां पे क्या किया जाता है कि धान की खड़ी फसल में क्या करते हैं कि एक खेसारी होती है फसल, उसकी क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। जैसे उदाहरण लिख लो, धान पकने की अवस्था पर चने की बुआई, जैसे धान पकने की अवस्था पर चने की बुआई। दूसरा उदाहरण लिख लो जाए आप, दूसरा उदाहरण है कि क्या नाम से धान कटने के तुरंत बाद बरसेम की बुआई, धान के कटने के बाद बरसेम की बुआई, बरसेम की बुआई। ये क्या हो गए, इसके दो उदाहरण हो गए। अविराम अंत का मतलब इसको अंग्रेजी में रिले अंतःशस्य बोल सकते हैं। अविराम का दूसरा नाम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। हाँ, ब्रैकेट में लिखना है इसको, रिले क्रॉपिंग। यानी इस पद्धति में वर्ष के अंदर क्या ली जाती है, चार फसलें ली जाती हैं और इसमें पहली फसल के कटाई से पूर्व या पहली फसल के पकते समय ही दूसरी फसल की क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। उसे क्या कहते हैं, अविराम अंतःशस्य, अविराम अंतःशस्य खेती कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, धान के कटने से पूर्व चने की बुआई कर देना, धान के कटने से पूर्व बरसेम की बुआई कर देना। अब पढ़ेंगे बहुमंजलीय या बहुस्तरीय अंतःशस्य खेती। बहुमंजलीय या बहुस्तरीय अंतःशस्य खेती, बहुमंजलीय या बहुस्तरीय खेती। अब इसमें किया क्या जाता है कि जो इस पद्धति में क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों की तरह विभिन्न ऊंचाइयों या फसलों की तरह, जैसे इसमें क्या कर देते हैं कि अधिक पटवार वाली, यानी कहने का मतलब जैसे अधिक पटवार वाली फसल, जैसे ये अधिक पटवार कर गई तो इसके बाद में कम पटवार वाली फसल को उगा देते हैं, ताकि क्या नाम से इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलेंगे, बहुमंजलीय या बहुस्तरीय खेती बोलेंगे। यानी इसमें जो प्रकाश है, जल है और जो वायु वगैरह होता है, इसके लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, यानी किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। लिख लो, यह पद्धति प्राकृतिक रूप से उगने वाले, यह पद्धति प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों की तरह, प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों की तरह विभिन्न ऊंचाई वाली होती है, विभिन्न ऊंचाई वाली होती है। यानी इस पद्धति में क्या होता है, जैसे प्रकृति में ऊंचे नीचे पेड़ उगते हैं ना, उसी तरह से जो फसल होती है वो भी क्या होती है, विभिन्न ऊंचाई वाली होती है। इसमें फसलों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि इसमें फसलों को
करते हैं कि यानी इस प्रकार इसमें फसलों को ऐसे व्यवस्थित किया जाएगा ना तो हवा के लिए, ना जल के लिए, ना प्रकाश के लिए, ना CO2 के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। इस सभी स्तरों के पौधों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि सभी स्तरों के पौधों को हवा, पानी, प्रकाश, CO2 बराबर मात्रा में मिलते हैं, इस प्रकार की खेती को बहुस्तरीय अंतःशस्य खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती को बहुस्तरीय अंतःशस्य खेती कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिखाऊं, जैसे नींबू के बगीचे के अंदर फूल गोभी है, पत्ता गोभी है आदि उगा देना। जैसे नींबू की फसल में पत्ता गोभी वे फूल वाले पौधे, यानी कोई भी सब्जी उगा दे या कोई भी अपन उसके अंदर फूल वगैरह उगा दे तो क्या कहलाएगी? बहुमंजिलीय या बहुस्तरीय खेती कहलाएगी। यानी इसमें फसलों को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि जो सभी स्तर होते हैं उनको हवा, पानी, जल, प्रकाश जो भी है वो क्या मिल सके? बराबर मात्रा के अंदर मिल सके। जैसे नींबू के बगीचे में फूल गोभी, पत्ता गोभी या फूल वाले पौधे आदि को उगाना, ये हो गए हमारे अंतःशस्य खेती के प्रकार। सबसे पहला पड़ गया था समानांतर सह फसलें, फिर दूसरा पड़ा सहचर फसलें, तीसरा पड़ा रक्षक फसलें, चौथा पड़ा वृद्धिकारक फसलें। वृद्धिकारक फसल के अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, पहला तो पड़ा था धनात्मक क्रम अंतःशस्य और दूसरा पड़ा था प्रतिस्थापन क्रम अंतःशस्य। उसके बाद में अविराम में क्या होता है, किसी भी प्रकार वर्ष में चार फसलें ली जाती हैं और चार फसलें पहली फसल की कटाई से पूरी दूसरी फसल की क्या कर दी जाती है? बुआई कर दी जाती है। कल पढ़ेंगे अपन मिश्रित फसल के सिद्धांत और उस क्या नाम से मिश्रित फसल का महत्व। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।